चार साल पहले कोरोना में लॉकडाउन के चलते रेलवे द्वारा वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाली 50% रियायतों को वापस ले लिया गया था। संसद में भी इस पर कई बार सवाल उठे जिसका कोई सीधा जवाब सामने नहीं आया। माननीय मंत्री महोदय जी से अनुरोध करता हूँ, कोविड महामारी के पहले रेलवे प्रवास अंतर्गत जिस प्रकार की सुविधा वृद्ध नागरिक तथा अधि स्वीकृति धारक पत्रकारों को मिलती थी, उसे फिर से शुरू करेंगे क्या? एक पैसेंजर को, हर एक यात्री को करीब करीब 55% कंसेशन आज भी दिया जा रहा है। वो इस तरह से है कि रेलवे की अगर कॉस्ट यात्रियों को ले जाने में 1.16 रुपये आती है, रेलवे केवल चार्ज करता है 45 पैसे 48 पैसे के आसपास। अब हाल ही में एक आरटीआई रिपोर्ट में ये सामने आया है कि इन रियायतों को बंद करने पर रेलवे को 5800 करोड़ का फायदा हुआ है। अब जरा सोचिए, अगर रेलवे ने वरिष्ठ नागरिकों का हक मारकर इतना कमाया है तो उन्हें उनका ये हक वापस कब मिलेगा? आखिर रेलवे ने क्यों लॉकडाउन के बाद इन रियायतों को अब तक शुरू नहीं किया?